साथियों, आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, और आप उसका आकलन कर करके अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या पाते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशंस, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी, आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है, जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि कोरोना महासंकट और युद्धों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन हो या फिर इकोनॉमी पॉलिसी, भारत ने अपनी नीतियां, अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसी कारण आज भारत बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है।